नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फिटिंग यानी कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के माध्यम से फिटिंग कराना। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एक छोटी सी नली होती है जो कि नाक से पेट तक डाली जाती है, जिसे एनजी ट्यूब भी कहते हैं। इस ट्यूब का इस्तेमाल उन बच्चों को दूध और दवाई देने के लिए किया जाता है जो बच्चे डायरेक्टली अपने मुँह से दूध और दवाई सही ढंग से नहीं ले पाते। ज़्यादातर समय से पहले जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं या जिन बच्चों में किसी बीमारी की वजह से निगलने और दूध पीने में परेशानी होती है, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। एनजी ट्यूब डालना एक मेडिकल प्रोसीजर है और सामान्यतः यह प्रोसीजर मेडिकल स्टाफ के द्वारा ही संपन्न किया जाता है, लेकिन कई बार एनजी फिटिंग घर पर करने की सलाह दी जाती है। ऐसे केसेस में आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि एनजी ट्यूब को कैसे डालें और एनजी फिटिंग कैसे करवाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवजात शिशु में एनजी ट्यूब को कैसे डालते हैं और एनजी ट्यूब के माध्यम से फिटिंग कैसे कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय जैन। स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले जानते हैं कि एनजी ट्यूब को कैसे डालते हैं। एनजी ट्यूब डालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी डालने में सावधानी की ज़रूरत होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले मेडिकल स्टाफ के सामने इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और उसके बाद ही आप इसको इंडिपेंडेंटली डालें। सबसे पहले एनजी ट्यूब डालने से पहले ज़रूरी सामान तैयार करना होता है, और इन ज़रूरी सामान में जो है वो है, एक तो सबसे पहले एनजी ट्यूब 5 या 6 नंबर की जो भी आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड की है, दूसरी सिरिंज 5 ml, तीसरी चीज़ है बॉइल्ड वाटर होना चाहिए आपके पास, एक मार्कर पेन होना चाहिए, मेजरिंग टेप होनी चाहिए और एक एडहेसिव टेप होनी चाहिए। इसके अलावा एक पेसिफायर है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को आप अच्छे से साबुन से वॉश करें। अब आप एनजी ट्यूब जो है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को रैपर से बाहर निकालें और एनजी ट्यूब को सही तरीके से नापकर उस पर मार्कर से मार्क करें ताकि हमें पता रहे कि एनजी ट्यूब को कितनी अंदर तक डालनी है। एनजी ट्यूब को नापने के लिए इन 3 पॉइंट का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है वो नाक का टिप है, दूसरा कान, और तीसरा पॉइंट है शिशु की जो ये बीच में ब्रेस्ट बोन होती है उसका सबसे निचला हिस्सा जो पेट से मिलता है, पेट पे जाके एंड होता है। अब आप एनजी ट्यूब को लेके एनजी ट्यूब की टिप को सबसे पहले नाक पे लेके जाए, उसके बाद फिर उसको वहाँ से ले कान तक लेके जाए, और उसके बाद फिर आप जो तीसरा पॉइंट मैंने बताया इसको इस तरह से तीसरे पॉइंट तक लेके जाए, और इस पॉइंट को अब आप एनजी ट्यूब पे इस पॉइंट को आपको मार्क करना है। तो या तो आप इसको मार्कर पेन से वहाँ पे मार्क करते हुए यहाँ पे, या इसके आप देख रहे हैं एनजी ट्यूब के ऊपर मार्किंग भी होती है, नंबरिंग होती है 1 से लेके आगे तक 30-40 तक, तो उसमें आप जो भी नंबर आता है वहाँ तो वो आप याद रख सकते हैं कि इस नंबर तक अपने को डालनी है। तो यह पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस पोजीशन तक ये है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को बच्चे के शरीर के अंदर डालना होता है। अब आप किसी की मदद से आप बच्चे को अच्छे से पहले कवर करें और बच्चे को एक पोजीशन जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, बच्चे के शोल्डर और हेड के नीचे पिल्लो लगा के हल्का सा उसका हेड जो है वो आप एलिवेट करिए, और इस तरह से इस पोजीशन में आपको बच्चे को ट्यूब डालनी है। अब आप पहले चेक करें बच्चे की जो दोनों नॉस्ट्रिल्स है वो ब्लॉक नहीं है, क्लियर है। अगर आपको ब्लॉक लगे तो आप थोड़ा नेजल ड्रॉप्स है, सलाइन ड्रॉप्स वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप एनजी ट्यूब की जो ये टिप है इसको आप बॉइल्ड वाटर में इस तरह से 1 या 2 इंच तक डिप करें ताकि थोड़ा सा ये ल्यूब्रिकेट हो जाए और अंदर आसानी से जा सके। इसके बाद अब आप धीरे धीरे एनजी ट्यूब को नाक के द्वारा धीरे धीरे नीचे की तरफ आप इस तरह से इसको पुश करें, और तब तक करें जब तक कि जो एनजी ट्यूब पे आपने जो मार्क किया है वो यहाँ के नाक के टिप तक नहीं आ जाए। और एक बार ये नाक की टिप तक आ जाए तो इसका मतलब ये करेक्ट पोजीशन में अभी एनजी ट्यूब आपने बच्चे के शरीर के अंदर डाल दी है। बीच में आपको अगर कभी भी किसी भी समय आपको रुकावट लगती है तो ये ध्यान रखिए आप फोर्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें, और सामान्यतः अधिकतर केसेस में बड़ी आसानी से ये अंदर चली जाती है। अब आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एनजी ट्यूब की पोजीशन करेक्ट है या नहीं है। करेक्ट पोजीशन का मतलब ये होता है कि जो एनजी ट्यूब का जो निचला हिस्सा है वो पेट तक इसका पहुंच जाए।
तो इसको जानने के लिए आपको एक सिरिंज लेनी पड़ेगी, 5 ml की सिरिंज। और इस 5 ml की सिरिंज को इस एनजी ट्यूब से आप इस तरह से अटैच करें और इसके बाद इसको धीरे धीरे पुल करें। पुल करने के बाद आपको थोड़ा बहुत हरे पीले और हल्का सा क्रीम कलर का अगर कोई फ्लूड आपको ट्यूब से बाहर आ रहा है और सिरिंज में आता है, तो इसका मतलब ट्यूब की पोजीशन करेक्ट है और इसका जो निचला हिस्सा है वो पेट तक पहुंच गया और यही ट्यूब की आइडियल पोजीशन होती है। अब करेक्ट पोजीशन चेक करने के बाद आप एनजी ट्यूब की जो टिप है इसको क्लोज़ कर दे और इसे नाक पर एडहेसिव टेप से इस तरह से आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं अच्छी तरीके से इसको फिक्स कर दे ताकि ये बार बार डिसक्लोज नहीं हो। ध्यान रखें, अगर एनजी ट्यूब को डालते वक्त शिशु को इनमें से कोई भी लक्षण आपको नज़र आता है तो तुरंत उस कंडीशन में आप ये प्रोसीजर बंद कर दें और एनजी ट्यूब को जहाँ तक डाली उसको वहीं से ही बाहर निकाल लें। इन लक्षणों में है, सबसे पहले तो अगर शिशु को अचानक कोई सांस में दिक्कत होना शुरू हो जाती है, अगर शिशु को ट्यूब डालते वक्त अगर लगातार खांसी का दौरा टाइप का या खांसी या छींक आ जाती है या उसको उल्टियाँ होने लग जाती है, उसकी बॉडी नीली पड़ने लग जाती है या इनफैक्ट वो कभी कभार सांस भी रोक सकता है या सांस की गति काफ़ी अचानक बढ़ जाती है, तो ऐसे केसेस में आप तुरंत शिशु को एनजी ट्यूब को उसको निकाल लेवे और शिशु को कम्फर्टेबली आप एक करवट लेटा देवे तो उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि एनजी ट्यूब आपने अब डाली है और इस एनजी ट्यूब के माध्यम से शिशु को दूध कैसे पिलाएं, नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग कैसे कराएं। नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग से पहले आपको अपने डॉक्टर से 3 बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आपके डॉक्टर ने आपको बता दी होगी। पहली चीज़ ये है कि कौन सा दूध आपको शिशु को पिलाना है, दूसरा एक बार में आपको कितनी फीड करानी है और तीसरी चीज़ यह है कि यह फीड कितने फ्रिक्वेंसी से कितने घंटे से करवानी है। तो ये 3 बातों का आपको जानना ज़रूरी है। अब प्रोसीजर करने से पहले सबसे पहले आप अपने हाथ जो नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग कराने से पहले आप अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरीके से वॉश कर लेवे। अब इसके बाद आपको फीड तैयार करनी है। फीड आपके डॉक्टर ने आपको जो भी प्रेस्क्राइब की अधिकतर केसेस में आप जहाँ तक हो सके कोशिश करें आप एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क का ही यूज़ करें और एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क अगर आपके पास है तो उसको आपको टेम्परेचर करने की भी चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आपको फिर फॉर्मूला फीड यूज़ करना होता है। फॉर्मूला फीड कैसे तैयार करते हैं इसके लिए हमारे चैनल पे ऑलरेडी आप ऊपर जो दिया हुआ लिंक है उसके ऊपर आप क्लिक करके आप सीख सकते हैं कि फॉर्मूला फीड को कैसे हाइजेनिक तरीके से तैयार करते हैं। फॉर्मूला फीड को देने से पहले उसका टेम्परेचर ज़रूर से चेक कर लेवे और इसके लिए आप उसकी कुछ ड्रॉप्स है वो अपने जो रिस्ट है यहाँ पे डाल के देखें। वो आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगनी चाहिए, वार्म होनी चाहिए और ठंडी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो उस टेम्परेचर के ऊपर आपको वो फीड कराना है। अब आप बच्चे को कंफर्टेबल पोजीशन में थोड़ा सा हेड एलिवेट करके आप इसको लेटा देवे। हेड एलिवेट रहना चाहिए बच्चे का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसका जो सर का हिस्सा वो लगभग 30 से 40 डिग्री आपका जो बच्चे का हेड है वो एलिवेटेड रहना चाहिए। इसके बाद आप एनजी ट्यूब को डाले गए मार्कर पॉइंट तक चेक करें। मार्कर पॉइंट या जो भी नंबरिंग आपने नोट की है वो हमेशा नाक के टिप तक रहनी चाहिए। अगर सही है तो ही आपको दूध पिलाना, वरना आप एनजी ट्यूब को निकाल कर फिर से डालिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको हर बार फीड कराने से पहले फॉलो करना है। इसके बाद अब आप 10 ml की सिरिंज, यूजुअली 10 ml की सिरिंज काम में लेते हैं फीडिंग के लिए, वो आप इसको लीजिए और इसके प्लंगर को आप इसको इस तरह से हटा दीजिए। ये आप सिरिंज देख लीजिए, सिरिंज के 2 पार्ट होते हैं, एक ये अंदर जो जाता है इसको प्लंगर बोलते हैं और जो ये मेन सिरिंज का पार्ट है इसको बैरल बोलते हैं। अब आप इसमें से प्लंगर को निकाल के जो सिर्फ बैरल बचता है ये सिरिंज का, इसको आप एनजी ट्यूब की जो टिप है इसके ऊपर आप अटैच कर दीजिए आप वीडियो में जिस तरह से आप देख रहे हैं। और ध्यान रखिए कि फीड कराने से पहले आपको एनजी ट्यूब को इस तरह से पिंच करना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, एनजी ट्यूब का जो टिप है वो शिशु की बॉडी से ऊपर रहना चाहिए, बॉडी के लेवल पे बिल्कुल ही रहना चाहिए, अदरवाइज़ दूध जा नहीं पाएगा ग्रेविटी की वजह से। और इसकी जो हाइट है वो 10 इंच से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो दूध काफ़ी बच्चे के शरीर में फास्ट जाएगा, तेज़ी से जाएगा, जो जिसकी वजह से बच्चे को उल्टी हो सकती है। तो आपकी जो पोजीशन है हल्की सी ऊपर रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं और नीचे बिल्कुल भी नहीं।
अब इसके बाद आप एनजी ट्यूब को एक हाथ से पिंच कर ले और दूसरे हाथ से सिरिंज में आपको जो भी आपने फीड तैयार किया है वो उस पर आपको उसको इस तरह से धीरे धीरे डालें। और इसके बाद अब आप एनजी ट्यूब के पिंच को छोड़ देवे और दूध को अपने आप ग्रेविटी फोर्स से धीरे धीरे अंदर जाने दे। अगर दूध नीचे की तरफ जाना शुरू ना हो तो आप जो ये प्लंगर है इसको आप इस तरह से हल्के से नीचे की तरफ पुश कर सकते हैं और इसके बाद दूध जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद प्लंगर को आप तुरंत वापस हटा लेवे। आपको लगातार प्लंगर से पुश करते हुए दूध बिल्कुल भी नहीं देना, ये आप ध्यान रखें। अगर बच्चे को एनजी फीडिंग के दौरान उल्टी वगैरह हो जाती है तो उस कंडीशन में आप एक बार फीड को स्टॉप कर देवे। बच्चे का हेड ऑलरेडी एलिवेटेड है, उसको आप फेस जो है उसका एक साइड में टर्न कर देवे और थोड़ी देर के बाद फिर से कोशिश करें। ध्यान रखिए दूध पिलाने में कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगाएं। दूध पिलाने के बाद सिरिंज को आप जब दूध फिनिश हो जाए तो सिरिंज को हटा के एनजी ट्यूब की जो टिप है इसको क्लोज कर दें। फीड कराने के बाद शिशु को आपको बैठा के इसको पहले पीठ पे धीरे धीरे थपथपाए और इसको बर्पिंग करवाएं, डकार दिलवानी होती है। और उसके बाद आप बच्चे को इसी हेड अप पोजीशन के अंदर कुछ देर रहने दें। उसका जो फेस है वो आप एक तरफ टर्न कर सकते हैं। ध्यान रखें शिशु के फीडिंग में जो भी काम आने वाले सभी जो बर्तन है और सिरिंज है ये हर बार आप गर्म पानी में उबालें और उसके बाद तभी काम में लेवे। और हाइजीन का हर समय बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके बच्चे को फीड के माध्यम से इन्फेक्शन हो सकता है। ध्यान रखिए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालने के दौरान, नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग कराने के दौरान या नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग के बाद आपको कुछ भी शिशु में कुछ अबनॉर्मल लगे, शिशु को कोई दिक्कत लगे तो तुरंत मेडिकल स्टाफ से या अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और इस तरह से आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कैसे डालते हैं और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के माध्यम से फीडिंग बच्चों को कैसे कराते हैं। आपके कोई भी अगर सवाल है, आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप हमें मेल करें, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन के ऊपर, या आप हमें हम कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।